झाबुआ जिला बना ईसाई समुदाय की नफरत का केंद्र। मध्य प्रदेश में ईसाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे झाबुआ व हिंदू संगठनों पर लगाए गंभीर आरोप। झाबुआ जिला मुख्यालय पर आज ईसाई समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रेस वार्ता में ईसाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ईसाई समाज केवल शिक्षा व चिकित्सा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। हिंदू संगठनों पर आरोप लगाया कि पूर्व में भी ईसाई समाज के लोग घर में प्रार्थना कर रहे थे तो लाठी डंडों से हिंदू संगठन के लोगों ने हमारे समाज को पीटा, परंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वही ईसाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशासन से मांग की है कि यदि हमारे गिरजाघर अवैध है तो उनको तोड़ा जाए, साथ में अन्य समाज के जो भी तीर्थ स्थल है उनकी भी जांच की जाए, जो धार्मिक स्थल है वे वेद है या अवैध। ईसाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने झाबुआ जिले को नफरत पिलाने वाला मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु ही बता दिया। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। ईसाई समाज पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ईसाई संस्थानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसा कुछ लोग ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जो हिंदू और ईसाई समाज के बीच में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं, दोनों धर्मों के बीच में आपसी मतभेद पैदा करना चाहते हैं, और जो झाबुआ का जो मिठासपन था, आपसी प्रेम भाईचारा, उसको ख़त्म करके हमेशा के लिए ये दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं ईसाई समाज, जो शांति प्रिय और शिक्षा और चिकित्सा में विश्वास करता है और सेवा देता है, आगे चल करके उनमें ऐसा आक्रोश पैदा हो युवाओं में कि वो भी सड़क पर निकल करके आंदोलन करने लगे। तो इसीलिए कलेक्टर साहब से हमने निवेदन करा है, इसमें जो भी लोग हैं संलिप्त हैं उन पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और निष्पक्षता से जाँच की जाए। और इसमें कुछ समय पूर्व कुछ ऐसे अधिकारी भी थे जिन्होंने कुछ तुगलकी फरमान जारी कर दिए, वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें विचार विमर्श नहीं किया गया। साथ में धार्मिक स्थलों को तोड़ने की धमकी दी गई, और धार्मिक स्थल यदि अवैध हैं तो हमारा प्रशासन से निवेदन है आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से कि प्रशासन पहले सभी धार्मिक स्थलों का सर्वे कराए, जो भी अवैध पाए जाएँ उस पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करें, चाहे वो क्रिश्चियन समाज के हो चाहे वो अन्य समाज के। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार प्रताड़ित किया जा रहा है ईसाइयों को? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है ईसाई समाज को। आप देखेंगे कई जगह पे भी और भी जो घटनाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा जो विचारधाराएं फैल रही हैं क्रिश्चियनों के खिलाफ वो झाबुआ से शुरू हो रही है और मध्य प्रदेश में फैल रही है, मध्य प्रदेश से फिर अन्य प्रदेशों में जा रही है। तो हम नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश का नाम खराब हो, हमारे झाबुआ जैसे शांति के टापू का नाम खराब हो, तो इसीलिए हम लोग आज अपील करने के लिए आए। तो क्या आपका ज्ञापन ये माने कि असुरक्षा की भावना है आपके मन में? असुरक्षा की भावना है, बिल्कुल है। यदि शांति प्रिय लोग घर में प्रार्थना कर रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, अपने चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, उस पर अगर 150 लोग डंडी लाठी लेकर के हमला करने आते हैं तो असुरक्षा की भावना किसके मन में नहीं आएगी? क्योंकि हम तो ऐसा नहीं है कि हम अपने चर्चों में हथियार के साथ बैठे हैं तो हमें कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। हम सिर्फ, हमारे एक हाथ में बाइबल होती है, दूसरे हाथ में भारतीय संविधान होता है, हम दोनों चीज़ों पर विश्वास करते हैं, और तीसरा ये है कि हम प्रशासन पर भी विश्वास कर रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पर आए। आरोप ये भी है कि अवैध तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, देखिए चर्च निर्माण हो रहा है। देखिए चर्च जो निर्माण है उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रशासन पूरी करेगा। कुछ लोग उठ करके चले आए हाथ में लाठी डंडा लेकर के, वो अगर प्रशासन को ये सिखाएं कि ये अवैध है, ये धर्मांतरण हो रहा है, यदि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, जो हमारे पुलिसकर्मी लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।